जैसा कि हम सब जानते हैं, हेयर केयर का सबसे पहला स्टेप है शैम्पू। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा शैम्पू हमारे हेयर के लिए और हमारे प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है और सबसे अच्छा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो शैम्पू जिसको यूज करके आप लोग अपने बाल लंबे कर सकते हो, और साथ के साथ मैं उसके बेनिफिट्स और इंग्रेडिएंट भी आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ये शैम्पू और कंडीशनर बहुत अच्छे पैकेजिंग में है। पहले ये केमिकल फ्री शैम्पू है क्योंकि ये गोट मिल्क से बना शैम्पू है। गोट मिल्क से बना शैम्पू आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब है ये 100% नेचुरल है, इसमें सल्फेट नहीं है। क्योंकि बेसिकली जो शैम्पू हम यूज करते हैं अगर वो नेचुरल नहीं होता है, उनमें सल्फेट होता है, तो वो हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम आती है, उससे बर्नेस की प्रॉब्लम आती है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी होता है। तो इस शैम्पू को यूज करने के बाद आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये गोट मिल्क से बना है, तो गोट मिल्क में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो डायरेक्टली अगर हम ये शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा प्रोटीन जाएगा, जिसके वजह से वो प्रमोट करेगा हेयर ग्रोथ को। लॉन्ग हेयर के लिए ये शैम्पू बेस्ट है, और क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन हैं और इन विटामिन की वजह से आपको आपके बालों को वो पोषण मिलेगा जिसके वजह से वो ग्रोथ करेंगे। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड रहता है, रेगुलर कटिंग लेने के बाद भी टाइम टू टाइम उनको डैंड्रफ बार बार आ जाता है। तो बस आपको ये शैम्पू क्रीम बेस्ड है, इसका मटेरियल बहुत ही क्रीमी है, तो इसके वजह से हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर के वजह से स्कैल्प के अंदर तक जाएगा ये शैम्पू और आपको हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ आपके सारे प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल फ्री कर देगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ ये स्क्रीन पे कि ये कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें अवेलेबल है। आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा। ये सिंपल से कुछ इंग्रेडिएंट है। तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें से पर्सनल फेवरेट है मेरा गोट मिल्क। गोट मिल्क बालों को बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है, प्रोटीन हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं, फिजी हेयर है आपके, ड्राई है बहुत ज्यादा बाल, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, या आपको डैंड्रफ है, तो ये सारे प्रॉब्लम को, बालों को लंबा करने के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को भी ये बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन बेनिफिट्स में ये शैम्पू बहुत ही ज्यादा फिट होता है। और खास करके जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बाल लंबे करने के लिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, तो उसके लिए ये शैम्पू गोट मिल्क बेस्ड है, प्रीमियम शैम्पू है ये, तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है। इसके साथ आपको एक कंडीशनर भी इसका अप्लाई करना है, जिसका भी एक प्रोसीजर है अप्लाई करने का। ये कंडीशनर आपको इस शैम्पू के साथ लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये शैम्पू आपको कैसे अप्लाई करना है। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर वे है हेयर वॉश करने का और किस तरीके से मास्क हमको अप्लाई करना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस शैम्पू को वेट हेयर में लगाना है। सबसे पहले आप अपने पूरे बाल गीले कर लें, उसके बाद इस शैम्पू को थोड़े से वाटर में ऐड आपको करना है। जितना भी आपके बालों में लगता है उतना शैम्पू आपको इस वाटर में ऐड करना है। क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है, बहुत अच्छे से आपके बाल में, स्कैल्प में अप्लाई हो जाएगा। आपको इसके बाद अच्छे से स्कैल्प में अप्लाई करके अच्छे से इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको इसको 1 वॉश कर देना है। उसके बाद हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डर्ट रह गया हो या फिर हमारे बाल अच्छे से क्लीन नहीं हुए हो तो वो उससे हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से फाइनल वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है कंडीशनर। कंडीशनर जिसको हम मास्क भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा है इसका। इसके कंडीशनर के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। जैसे कि मेरे बाल लंबे के साथ साथ स्ट्रेट है, तो वो इसके कंडीशनर को अप्लाई करने से बहुत ही जल्दी सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाता है, साथ के साथ लक्ष्यरियस भी हो जाता है। लक्ष्यरियस होने की वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना है और अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई करना है। ध्यान रखिए स्कैल्प में अप्लाई ना करें, क्योंकि कंडीशनर और मास्क हमेशा हेयर में अप्लाई करना चाहिए, स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद अप्लाई करने के जितनी भी देर आप इसको छोड़ सकते हो, 5 मिनट या 10 मिनट, इसको अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से कोम करना है। अगर पॉसिबल है तो इसको अप्लाई करके आप अच्छे से कोम कर लीजिए, जिससे आपके बाल अगर बहुत ज्यादा फिजी हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनल वॉश करना है। फर्स्ट वॉश में आप अपने बालों में रिजल्ट देखोगे कि कितने अच्छे आपके हेयर हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, और 1 से 1.5 महीने में आप देखोगे कि बहुत ही तेजी से आपके बाल बढ़ने लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट अच्छे से अपडेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।